तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये एक्टिवा ये क्या दिक्कत कर रही है, बहुत ज़्यादा ये इसका हैंडल हिल रहा है, हाथ छोड़ते ही ये बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रहा है, ये देखो। तो दोस्तों कौन कौन इस दिक्कत से परेशान है कमेंट में बताओ, इसका पूरा सोल्यूशन देंगे आपको। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई स्कूटी या कोई भी बाइक है जिसमें ऐसी सेम प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले आपको उसके अंदर टायर का एयर प्रेशर चेक करवाना है। एयर प्रेशर जितना कंपनी रिकमेंड करती है उतना होना चाहिए। उसके बाद टायर के अलाइनमेंट, रिम के अलाइनमेंट और व्हील के बैरिंग। अगर इन चीज़ों को ठीक करने के बाद आपकी गाड़ी फिर भी ठीक नहीं होती तो आपको फ्रंट सस्पेंशन और शॉकर इसके चेक करवाने, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी।